निकला वतन को छोड़ के कुनबा हुसैन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग APP न्यूज़ पर, मैं हूँ साजिद उमर गिल। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे वाक़या पर बात करने जा रहे हैं जो मुसलमानों की तारीख में, इस्लामी तारीख में और तवारीख दुनिया आलम में इस तरह से नक्श है कि वो आज तक इंसानी यादात से महव नहीं हो पाया। वाक़या करबला, इसके बारे में क्या कहा जाए? ये जब भी इसका ज़िक्र आता है तो दिल ग्रामबार हो जाते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। इस पे बात करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी अभी रूनुमा हुआ है। ये इसकी एक अजब खसूसियत है। अगर हम कहें कि ये कोई 1400 बरस पहले का वाक़या है, तो जब इस पे बात करना शुरू करते हैं हम, जब इसमें खो जाते हैं, जब इसका ज़िक्र करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये अभी हमारे सामने रूनुमा हो रहा है। सन 61 हिजरी में शहज़ादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को, उनके घर वालों, मासूम बच्चों, उनके साथियों को जिस ज़ालिमाना, वहशियाना और बेदर्दी के अंदाज़ से उनको शहीद किया गया, कत्ल किया गया, खून और आग की बारिश उन पर बरसाई गई, ये बातें अब भी जब हम इनका ज़िक्र करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाज़रीन, आज हम इस मौजू पर कुछ तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अली विर्क साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। हज़रत, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम वाक़या करबला पर, शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम पर बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए, इससे कबल के हम इस वाक़े की तफसील में जाएँ, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो ज़ात बाबरकात कि जिनके बारे में ख़ातमुन्नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये अजब एक असरार भरा जुमला है। हज़रत, इसकी गर्ज़ो ग़ायत और आपकी जो फ़जीलत है, जो आपके फ़ज़ाइल हैं जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, यहाँ से शुरू कीजिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला इत्रतिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन। बिल्कुल साजिद भाई, आपने बजा फरमाया। आका हुसैन अलैहिस्सलाम वो ज़ाते ज़ीसिफ़ात हैं कि जिनके फ़ज़ाइल का अहाता करना मुमकिन ही नहीं। चूँकि रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, के हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अगर हम सिर्फ इस एक हदीस से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखें तो इसके इस कदर ज़्यादा पहलू हैं कि उस पर एक प्रोग्राम में यकीनन गुफ्तगु को हम नहीं समेट सकते। लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद है, वहाँ सिर्फ एक नाना की एक नवासे के साथ मोहब्बत नज़र नहीं आती, सिर्फ एक बाप की एक बेटे के साथ मोहब्बत नज़र नहीं आती। चूँकि आका हुसैन वो ज़ात है कि जिन्होंने रसूल अकरम के दामन से अबतरी के दाग को धोया। क्योंकि जब कुफार और मुशरिकीन ये कहते थे कि रसूल तो अबतर है, पैगंबर इस्लाम की कोई औलाद नहीं, तब सैयदा कौनैन के वसीला जलीला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता किया। यानी आप नरीना औलाद का जिक्र फरमा रहे हैं। तो सैयदा के वसीले से सिर्फ औलाद को अता किया, तो तब रसूल अकरम ने फरमाया ये सिर्फ मेरे नवासे नहीं बल्कि मुबाहला के दिन अबना अना व अबना अकुम में वो रसूल के बेटे बनकर शामिल। और जब रसूल अकरम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तो अब ये तो बात समझ आई कि एक नवासा नाना से कैसे हो सकता है या एक बेटा अपने बाप से कैसे हो सकता है, लेकिन एक बाप अपने बेटे से किस तरह हो सकता है। तो उसकी तफसीर हमें करबला में नजर आई कि जब रसूल अकरम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है तो मैं हुसैन से कैसे हूं,
उसके लिए फिर जिस वाक़े पे आज गुफ्तगू करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, 61 हिजरी 10 मुहर्रम करबला के मैदान में रसूल अकरम 125,000 नबियों के सरदार बन के आए और 125,000 नबियों की मेहनत बचाने की जिम्मेदारी जिस शहनशाह के कंधों पे आई उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। तो रसूल की शरीयत को बचाकर हुसैन ने बताया कि मैं अपने नाना से हूँ और मेरे नाना और उनका दीन मुझ हुसैन की ज़ात से बचता है, मुझ हुसैन की ज़ात से निकलता। यानी वो जो शायर ने कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, यानी इस वाकया में जिस जमा मर्दी, शुजात, बहादरी ये लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ में, जिस तरह आपने तागूत का मुकाबला किया और इस्लाम को बचा लिया, आप ये फरमा रहे हैं कि ये 125,000 अंबिया की जो मेहनत थी उसका समर, अगर उस रोज़ आप ये कुर्बानी पेश ना करते तो आज जो इस्लाम की एक तसलसल है इसमें ये खाकम बदहन नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये कायम ना रह पाता। चुनांचे ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो आपने पेश की। अच्छा हज़रत, ये तो आपका एक फ़ज़ाइल के जो अंदाज़ में हमने आपकी तौसीफ़ और तारीफ़ बयान की है, ये यकीनन आप ही को जचता था इतना बड़ा आपका मकाम और मर्तबा कि आप उसी कदर एक बड़ी कुर्बानी, उसी कदर बड़ी शुजात और जवां मर्दी का मुजाहरा करते। ये फरमाइए कि ये जो वाकया करबला है हज़रत, ये वो क्या कहते हैं कि हादसा अचानक नहीं होता, ये अचानक तो रूनमा नहीं हुआ, इसके पीछे कोई इसकी बैकग्राउंड होगी कि हालात यहाँ तक क्यों आ पहुँचे कि कलमा गो लोगों ने आले रसूल को खून में नहला दिया, ऐसा क्यों हुआ था? बिल्कुल आपने बजा फरमाया, हादसे अचानक रूनुमा नहीं होते, उनके पीछे एक मुकम्मल तारीख़ी पस मंज़र मौजूद होता है। और ये जो वाक़ करबला का पस मंज़र है, मैं जिस करीम ज़ात का आज तज़किरा है अपने आका हुसैन की लिसानुल्लाह से निकला हुआ एक जुमला बयान करके उसे आगे बढ़ाता हूँ कि जब 27 रजब को यजीद के नुमाइंदे वलीद ने मदीना में आका हुसैन को दरबार में बुलाया और कहा कि जितने सहाबा और उनकी औलाद इस वक्त मौजूद है तकरीबन सभी यजीद की बैत कर चुके हैं, तो आप भी यजीद की बैत कर लीजिए। उस वक्त मेरे करीम आका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि वलीद तुम यजीद को ये पैगाम दे दो कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर। सुभान अल्लाह, कितना बलीग जुमला, कितना बलीग जुमला, और मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, इसमें पूरी तारीख छुपी है। इसका मतलब कि आका हुसैन से पहले भी हुसैन जैसे मौजूद हैं और यजीद से पहले भी यजीद जैसे मौजूद हैं। अब जब हम देखते हैं खुद इवन अहले सुन्नत उलमा ने, खुद मौलाना मौदूदी ने लिखा है कि जब इस्लाम के मुताबिक खिलाफत राशिदा ख़त्म हुई तो मौला अली की खिलाफत के बाद वो जितना आगे दौर था वो सारा मलूकियत का दौर था। चूँकि इस्लाम में खिलाफत का मयार तकवा है, खिलाफत का मयार अदल है, खिलाफत का मयार वो खूबियाँ हैं जो एक रसूल अल्लाह के जानशीन में होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब बनु उमैया की हुकूमत आई तो यजीद के बाप मुआविया इब्ने अबू सुफियान ने यजीद को अपना जानशीन नामज़द किया, हालांकि वो जानता था कि यजीद में शरई उयूब मौजूद हैं, यजीद इस काबिल नहीं कि वो उम्मत मुस्लिमा का खलीफा बन सके। इसके बावजूद उसने ना सिर्फ यजीद को खलीफा नामज़द किया बल्कि उसकी बैत लेने का इरादा किया और मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सूबों के गवर्नरों से बैत ली। ये तारीखी पस मंज़र चलता हुआ जब मुआविया इब्ने अबू सुफियान की वफात हुई तो उसके बाद यजीद ने बराह रास्त बैत का एक सिलसिला शुरू किया। और अब चूंकि नाना का दीन ऐसे हाथों में आ गया था कि जो हाथ शराब का जाम उठाते हैं, जो बंदरों और कुत्तों से खेलते हैं, तो आका हुसैन जिनकी रगों में खून मोहम्मद मुस्तफ़ा है वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद खिलाफत पर कोई ऐसा शख्स बैठे कि जिसके अंदर तमाम बुराइयां मौजूद हों। तब उन्होंने घर से निकलकर दीन बचाने का इरादा किया और फिर मदीना से निकल के करबला का सफ़र शुरू। वो जो मौला हुसैन पाक ने जो इनकार बैत की वजूहात की तफसील बयान फरमाई, उसमें आपने फरमाया कि ये फासिक है, फाजर है, शराब पीता है, ये इस लायक नहीं है कि मुसलमानों की एक अजीम जमीयत के सरबराह के तौर पर मसनद नशीन हो पाए, ये इस लायक नहीं है
چنانچہ اگر یہ جبر، ظلم اور زیادتی اور زور سے یہ چاہے گا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بات کرے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ واللہ سبحان اللہ، کیا بہادرانہ جملہ ہے، حضرت اس کو جاری رکھیے۔ جی، اس کے بعد آقا حسین نے جب مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی حضرت عباس ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور کہا کہ بھیا عباس، آپ مدینہ سے نکلنے کی تیاری کیجیے۔ چونکہ اسی لیے تو وہ شعر ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو رسم شبیری کا تقاضا یہ کہ جد و جہد کے لیے نکلا جائے، میدان عمل میں آیا جائے۔ اپنے پورے کنبے کو لے کر 28 رجب کو مولا حسین جب مدینہ سے نکلے تو اس موقع پر میں دو مصرے ساجد بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں کہ صدا مدینے میں آئی یہ مغربین کے بعد، رسول کیسے رہیں گے یہاں حسین کے بعد؟ آئے آئے آئے، وہ جو حسین منی و انا من الحسین، تو رسول اللہ کی قبر اقدس سے ودا کرتے ہوئے میرے مولا حسین نے امت کی شکایت بھی کی اور ایک غربت بھرا جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ نانا، آپ اپنے نانا کی تربت پر اکیلے گئے تھے، اکیلے گئے، سر کو کہا کہ آپ باہر رہیے، مجھے کچھ راز و نیاز کی باتیں، راز و نیاز کی باتیں کرنی، اور میرے مولا حسین نے گریہ کے عالم میں اپنے نانا کی لحد پہ کہا تھا، نانا آپ کی امت نے مدینے کو حسین کے رہنے کے قابل نہیں رہنے دیا، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کو فاسق کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ یہاں وہی حسین منی و انا من الحسین کا فلسفہ تھا کہ حسین کی بیعت لینے کا مطلب ہے کہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لی جا رہی ہے۔ بدن، اچھا حضرت، حضرت امام نے مدینہ منورہ سے سفر آغاز کب کیا تھا؟ 28 رجب المرجب 60 ہجری کو، اور آپ کی نیت پہلے حج کی تھی؟ جی، پہلے آپ مکہ پاک تشریف لے جا رہے تھے۔ جی، مولا حسین مکہ تشریف لے گئے، جب آقا حسین مکہ تشریف لے گئے تو یزید نے حاجیوں کے بھیس میں آقا حسین کے قاتلوں کو بھیجا۔ ٹھیک، آقا حسین کے قاتل احراموں میں خنجر، حالانکہ حرم کعبہ میں، بیت اللہ میں کسی جانور کو قتل کرنا بھی گناہ، کسی چیونٹی مچھر کو مارنا حرام، لیکن یہ کیسی امت تھی جو رسول کے نواسے کے قتل پر متفق ہو کے احراموں میں خنجر چھپا کے طواف کعبہ کر رہی تھی؟ تب 8 ذی الحج کو میرے مولا حسین نے احرام توڑے اور حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنے بھائی حضرت عباس کو کہا کہ اب خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے خطبہ پڑھیے اور اعلان کیجئے کہ آج وارث کعبہ کعبہ سے حج کیے بغیر لوٹ جائے گا۔ اچھا، اس میں کیا دیکھیے، عجب ایک معاملہ ہے، ایک بہت بڑا ایک نقطہ ہے جس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جناب امام نے۔ حج ایک بہت اہم رکن ہے دین کا، ایمان کا، لیکن آپ کے اس اقدام پاک سے یہ ثابت ہوا کہ جب قربانی کا وقت آ جائے، جب ڈٹ کر کھڑا ہونے کا وقت آ جائے تو آپ حج کو موقوف کر دیجئے اور قربان گاہ کی طرف سفر آغاز کر دیجئے۔ حضرت، مکہ پاک سے جناب امام کربلا کیسے پہنچے؟ مکہ سے آقا حسین نے، ساجد بھائی میں یہاں اپنے سامعین کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ احرام توڑنے سے مراد کیا ہے۔ جب آپ طواف کعبہ کرتے کرتے ایک قدم پیچھے ہٹا لیں تو اسے احرام توڑنا کہا جاتا ہے، پھر اچھا، آپ کا احرام ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اگر آپ نے دوبارہ طواف کا ارادہ کرنا ہو، حج یا عمرے کا ارادہ کرنا ہو، تو پھر دوبارہ سے احرام باندھ کے دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ اوکے، تو یاد رکھیے، آقا حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا دین کو بچانے کے لیے۔ ٹھیک، تو سوچئے جس شہنشاہ کا ایک ہٹتا ہوا قدم 125,000 نبیوں کی محنت بچا لے، اس کا کربلا کی طرف بڑھتا ہوا قدم اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا حسین جب مکہ سے نکلے تو اس سے پہلے حضرت عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا۔ چونکہ اتنا جلال ہے عباس ابن علی کا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ احراموں میں خنجر چھپا کر حسین مولا کے قاتل موجود ہوں، اور حضرت عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر جا کے یہ ارشاد فرمایا، سنو، اللہ نے اس خانہ کعبہ کو عزت عطا کی ہے میرے بھائی حسین کے بابا کے قدموں سے، بے شک یہ وفا کا معیار ہے اپنے با، حالانکہ ان کے بابا بھی مولا علی ہیں، لیکن فرمایا حسین کے بابا کے قدموں سے اس کعبہ کو عزت عطا کی ہے، اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی اور اللہ کے اسرار اس میں نہ چھپے ہوتے تو تم لوگ کیا سمجھتے ہو جو آج حسین کو کعبہ سے روک رہے ہو، کعبہ خود اڑ کے میرے مولا حسین کے پاس چلا جاتا۔
तुम लोग हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए जाते हो, लेकिन हजर अस्वद खुद मेरे भाई हुसैन के हाथों का बढ़ के बोसा लेता। मेरे मौला हुसैन ने मक्का से सफ़र शुरू किया, दर्जनों मनाजिल रस्ते में आई जहां मेरे मौला रुके, फिर करबला से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर पहले सहराए जू हसम की मंजिल आई, ठीक, जहां हजरत हुर ने मौला हुसैन के घोड़े की लगाम को पकड़ के रोका, ठीक, और कहा कि आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं, कहा फिर इस तरह करो, मुझे हिंदुस्तान जाने दो या वापस मदीना की तरफ सफ़र करने दो। हुर ने कहा नहीं, हमें जहां पर आपको लाने का हुक्म है हम आपको वहीं लेकर जाएंगे। जूँ ही हजरत हुर ने मौला हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला तो आका हुसैन ने फरमाया, हुर तुम्हारी माँ तुम्हारे मातम में रोए। बस वो लम्हा था कि जब हुर का मुकद्दर तब्दील हुआ और सर को झुका के कहा, आका हुसैन मैं तो आपकी वालिदा जनाब फातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी बगैर दुरूद के ले भी नहीं सकता। वाह वाह वाह, वो लम्हा था जब हुर की तकदीर, यानी वो नसीब में वो खूबी थी, खूबी थी जो चमक उठी जो चमक करबला में पहुँच कर। जी, और मैं तारीखी हवाले से अर्ज करूँ कि ये 30 ज़िलहज का वाकया था। अच्छा, ठीक, यकम मुहर्रम का चांद करबला से कुछ दूर देखा है आका हुसैन ने, ओके, और 2 मुहर्रम को करबला की सरहद पे मेरे मौला हुसैन का रहवार अपने कदमों को रोक के खड़ा, और आपने पूछा कि ये कौन सा इलाका, ये कौन सा इलाका। बेशक जब मौला हुसैन का रहवार अपना कदम आगे नहीं बढ़ाता, और याद रखिए ये इनके रहवार इतने वफादार होते हैं कि अल्लाह उनके सुमों से उठने वाली गर्द की कस्में कुरान में खाता है, वल्लादियाति ज़बहन फलमूरियाति कदान, उसने मशीयत इलाही को देखते हुए अपने कदमों को रोका। मौला हुसैन ने इर्द गिर्द के इलाके के लोगों को बुलाया कि ये कौन सी जगह है, किसी ने कहा ये नैनवा है, किसी ने कहा ये मारिया है, एक बनू असद के बुजुर्ग से पूछा ये कौन सी जगह है, हालांकि जानते इमाम खुद भी है, चूंकि जो इमाम वक्त है वो आलिमुल गैब भी है, वो आलिमुल शहादा भी है। तो आका हुसैन ने जब पूछा हमें समझाने के लिए, ये देखिए ये इजहार मजलूमियत है कि मौला हुसैन किसी की जबान से सुनना चाह रहे हैं कि बताओ ये कौन सी जगह है, फरमाया इस जगह को कहते हैं करबला। मेरे मौला ने फरमाया कर्ब व बला, ये वही जगह है जहाँ कर्ब और बलाएं नाजिल होती हैं। चूँकि आका हुसैन से पहले अल्लाह ने कई अंबिया को इस जगह से गुजारा, हज़रत मूसा के पैर में चोट लगी, हज़रत ईसा का रास्ता शेर ने रोका, हज़रत इब्राहिम ने यहाँ गिरिया किया, इवन खुद मौला अली अलैहिस्सलाम सिफीन के मैदान में जाते हुए जब करबला के मैदान में रुके तो एक रात वही मैदान में ख्वाब देखा कि एक लकोदक सहरा है जहाँ खून ही खून है, एक कोई गरीब है जिसकी दाढ़ी खून में तर है, वो कभी उसी खून में डूबता है कभी उभरता है और सदा देता है हल मिन ना उसरिन यंसुरना। ये ख्वाब देखने के बाद बुलाया मौला हुसैन को अपने पास और इस तरह सीने से लगाया जैसे छोटे बच्चे को लगाते हैं, कहा हुसैन हमने एक ख्वाब देखा है कि आप हमें बार बार मदद के लिए पुकारते हैं, का बेटा यही वो सरजमीन है जहाँ आप अपने कुंबे के समेत शहीद होंगे। 2 मुहर्रम को करबला की सरहद में आका हुसैन दाखिल हुए और सिर्फ दाखिल नहीं हुए, फिर उस करबला की 9 मुरब्बा मील की ज़मीन को मेरे मौला हुसैन ने अपनी शरीकतुल हुसैन बहन मलिका शाम जनाब सैयदा ज़ैनब बिनत अली अलैहिस्सलाम के साथ मिल के ख़रीदा और शहज़ादा अली अकबर के नाम पे ख़रीद कर फिर बनु असद के लोग जो उस इलाके के मालिक थे उनको वापस हिबा किया और कहा याद रखो ये करबला हुसैन की जागीर है, यानी रसूल का नवासा, वो गैरतों का रहनुमा हुसैन। उसने ये गवारा नहीं किया कि वो पराई ज़मीन में शहीद, खुद अपनी ज़मीन और हज़रत इसको खरीद कर, इसको जागीर करबला जागीर अली अकबर भी कहते हैं। जी, करबला को बिल्कुल, और यही वो दश्त करबो बला है जिसकी खाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुतहरा को दी थी कि याद रखो जब ये मिट्टी लाल हो जाए तो जान लेना कि मेरा नवासा वहाँ मज़लूमियत के आलम में शहीद कर दिया गया है। वो खाक पाक भी इसी दश्त करबो बला की थी। जी, वो खाक इसी दश्त करबला की थी और वो खाक खुद हज़रत जिब्राइल जिनका काम वही लाना है, वो खुद एक शीशी में वो खाके शिफा लेके आए और रसूल अकरम को पेश करके कहा अभी आका हुसैन का ज़ाहरी बचपन है
لیکن شہادت کی خبر پہلے آ چکی تھی، چونکہ مشیت الہی میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ وہ اللہ جو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور پھر وہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی بھی نہیں، تو 125,000 نبیوں کو جو دین اسلام دیا اس کو بچانا تھا مولا حسین نے، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ خاک دی اور دے کر کہا جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین عراق کی سرزمین پر شہید ہو گیا۔ دیکھیے پروردگار عالم رب العالمین سب سے زیادہ جو اپنے وعدوں کو نبھانے والی ذات بابرکات ہے، بے شک وہی اللہ رب العزت ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس اللہ رب العزت نے اپنے ان وعدوں کو نبھانے کے لیے جن کو چنا وہ بھی اپنے وعدوں کو نبھانے پر کس قدر مائل تھے، قائل تھے اور متفق تھے، یعنی جناب مولا حسین پاک۔ علامہ صاحب، ہم مدینہ پاک سے شروع ہوئے اور آپ گفتگو میں ہمیں دشت کرب و بلا تک لے آئے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لینا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی ضرور، کیوں نہیں۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں عاشورہ محرم کے حوالے سے، شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ ایسی پر اثر پر تاثیر گفتگو ہے، یہ زندگی بھر بھی جاری رہے تو زندگی بہت مختصر محسوس ہوتی ہے، یہ گفتگو اس کی تفصیل اس قدر طویل ہے۔ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہم اسی گفتگو کو آپ کے ساتھ لے کر آگے چلیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ نکلا وطن کو چھوڑ کے کنبہ حسین کا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ، میں ہوں ساجد عمر گل۔ آج میرے مہمان ہیں جناب علامہ حافظ محمد علی ورک، آپ سے ہم محو کلام ہیں اور موضوع ہے عاشورہ محرم اور شہادت امام حسین علیہ السلام۔ ناظرین، یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ اس کو جس قدر بھی کیا جائے یہ کم پڑتی ہے، اس قدر فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، شہادتیں ہیں، ایمان کی طاقت ہے، وعدے کی پاسداری ہے، کیا کچھ ہے، عجب ہے اس میں، اس کے اتنے اینگلز ہیں کہ جن کا ذکر کرنا تو کیا ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا۔ آج تک 1400 سال ہونے کو آئے، آج تک یہ واقعہ تازہ ہے اور آئے روز اس میں سے ایک نیا اینگل، ایک نیا سبق، ایک نئی رہنمائی عالم انسان کو میسر آتی ہے۔ علامہ صاحب، آپ ہمیں دشت کرب و بلا تک لے آئے تھے بریک سے پہلے، اور یہ تاریخ تھی 2 محرم۔ اس سے آگے 10 تک جب آپ خیمہ زن ہو گئے اور وہ جو پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، اذیتیں ہیں، وہ جو ظلم اور جبر ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اس کی کوئی مختصر تفصیل ہو جائے آپ کی زبان مبارک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد بھائی، یہ اس قدر جو مصائب ہیں کربلا کے وہ زیادہ ہیں کہ 1400 سال سے مقتل لکھا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، لیکن اس کا حد کیا ہے، اس کا آخری سرا کیا ہے، یہ بالکل وہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ تو یوم آخر ہی ہوگا، روز محشر ہی ہوگا، کیونکہ خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دنیا کا ایسا کوئی مصائب ہے ہی نہیں جو کربلا اور شام میں ہم آل محمد پر اس امت نے نہیں ڈھایا۔ مصائب کا آغاز ہوتا ہے جب 2 محرم کو آقا حسین وارد کربلا ہوئے اور نہر القما کے کنارے، جو کہ درہ فرات سے نکلتی ہے، خیام لگ گئے۔ ان خیام کا لگنا تھا کہ یزیدی فوج کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ حسین اپنے خیام کو یہاں سے ہٹا لیں، چونکہ مشیت الہی تھی کہ آقا حسین اور ان کے کنبے کو پیاسا قتل ہونا ہے، پیاسا شہید ہونا ہے، اس لیے حضرت عباس کو حکم دیا کہ اپنے خیموں کو ہٹا لیں۔ رو کے حضرت عباس نے کہا کہ عباس جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے آپ کے خیام کو کس کی جرت ہے کہ پیچھے ہٹائیں؟ کہا بھائی عباس، کسی کی جرت نہیں جو فرزند رسول کے خیام کو تمہارے جیسے شیر جوان بھائی کے ہوتے ہوئے ہٹا دے، یہ مشیت پروردگار ہے جس کے باعث ہمیں اپنے خیام کو ہٹانا ہے۔ خیام ہٹے۔ ایک موقع پر یہ بھی ہوا کہ جناب عباس چونکہ بہت شاہزور شخصیت تھے،
तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई हम यहाँ जंग करने नहीं आए, हम आप जज्बात पे काबू रखें और सब्र करें। मैं अर्ज़ करूँ अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ख़याम जब नहर से हटे तो एक ख़ैमे में आका हुसैन और उनकी शरीकतुल हुसैन हमशीरा जनाब सैयदा ज़ैनब बिनत अली तशरीफ़ फरमाती है, तो दोनों बहन भाइयों के दरमियान एक मुकालमा हुआ, मैं जिसके दो चार जुमले अपने सामने इनके लिए पेश करूँ। अता हो जी। दोनों बहन भाइयों ने बैठ कर ये गुफ्तगू शुरू की कि नाना का दीन ख़तरे में है, तो क्यों ना हम दोनों बहन भाई मिल के इस दीन को बचाएँ। सबसे पहले जनाब आलिया बिनत अमीर अलमोमिनीन जनाब सैयदा ज़ैनब ने पूछा कि भैया हुसैन आप नाना की शरीयत को बचाने के लिए क्या देंगे? कहा मैं अपना 18 साल का जवान अली अकबर दूंगा। रो के बीबी आलिया ने फरमाया कि भैया आप अली अकबर की कुर्बानी देंगे तो मैंने अली अकबर को पाला है, मैं उस अली अकबर के सदक़े के तौर पे अपने दो औनों मोहम्मद जैसे बेटे दूंगी। कहा भैया आप क्या देंगे? कहा मैं अपने अब्बास के बाजू दूंगा। कहा आप एक अब्बास के बाजू देंगे, मेरी सारी मस्तूरात के बाजू रस्सियों में बन जाएंगे। कम मेरे सिपाही शाम गरीबा में घोड़ों की टापों तले पामाल हो जाएंगे। तारीख का वो जुमला फरमाया है अली की बेटी ने, कहा भैया हुसैन आपके जितने सिपाही घोड़ों की टापों में पामाल होंगे वो सारे मर्द होंगे, उन घोड़ों की टापों में पामाल होते रहेंगे, लेकिन मेरे साथ जितने सिपाही होंगे कोई 4 साल का, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, वो शाम गरीबा के बाद शाम के सफ़र तक ऊँटों के पुछ से गिरते रहेंगे, फिर ऊँटों के पैरों में पामाल होते रहेंगे, लेकिन अली की बेटी मुड़ के किसी शहीद की तरफ देखेगी भी। हज़रत वो शोरश कश्मीरी साहब ने अपने एक शेर में यूँ बयान किया था ना कि हम कैसी बदबخت उम्मत के लोग हैं कि हमने शहज़ादी रसूल के रुखसार मुबारक पर तमाचे मारे हैं, उनका तमाशा देखा। हाउज़ बिल्लाह हाउज़ बिल्लाह। तीन मुहर्रम को, और ये मजालिम बड़े बात की बात है क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ शामिल है कि जिसको सोच के कि जिस रसूल का कलमा उम्मत पढ़े फिर उसी के बच्चों को कत्ल करे, रसूल का कलमा पढ़ के रसूल के बेटों को कत्ल करना ये रसूल से बेवफाई है, लेकिन उसी रसूल का कलमा पढ़ के रसूल अल्लाह की बेटियों पर जुल्म करना ये सिर्फ बेवफाई नहीं बल्कि बेहयाई भी है और बेगैरती भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे पर 3 मुहर्रम को पानी बंद किया गया, 7 मुहर्रम को ख़याम हुसैनी से पानी का ज़खीरा ख़त्म हो गया, 7 से लेके असर आशूर तक एक बूंद पानी की ख़याम में नहीं थी। हाँ बच्चों का ये आलम था कि सारा दिन खाली जाम उठा के रो रो के कहते थे या साकी अताश करबला या अलमदार करबला अबिल फजल अब्बास अलमदार आगा अब्बास इब्ने अली, कोई पानी की सबील कीजिए। एक एक शहीद जाता रहा साजिद भाई, और जो दिन अजान अली अकबर से शुरू हुआ वो मौला हुसैन के सजदे पर ख़त्म। जनाब अल्लामा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हौसला जवाब दे रहा है, यहाँ अगर आपकी इजाज़त हो तो एक नौहा जनाब शहजाद नूर कादरी साहब नौहा ख़ान हैं, मुझ फ़कीर का लिखा हुआ कलाम है, और वो भी इसी गुफ्तगू में इसी प्रोग्राम में आपकी इजाज़त से शामिल कर लिया। जी बिल्कुल शामिल कीजिए। निकला वतन को छोड़ के कुनबा हुसैन का, निकला वतन को छोड़ के कुनबा हुसैन का, जब मुंतजर था राह में मक्का हुसैन का, जब मुंतजर था राह में मक्का हुसैन का, रुखसत हुए इमाम मदीने से जिस घड़ी रुखसत हुए इमाम
مدینے سے جس گھڑی تھا روضہ رسول پہ گریا حسین کا تھا روضہ رسول پہ گریا حسین کا مجھ سے میرا حسین ہے میں ہوں حسین سے مجھ سے میرا حسین ہے میں ہوں حسین سے پہچانتے رسول ہے رتبہ حسین کا پہچانتے رسول ہے رتبہ حسین کا باطل کی سلطنت ہے فقط سیم و زر تلک باطل کی سلطنت ہے فقط سیم و زر تلک اقلیم حق میں چلتا ہے سکہ حسین کا اقلیم حق میں چلتا ہے سکہ حسین کا لشکر کو چھوڑ کے ہر آ گیا جہاں لشکر کو چھوڑ کے ہر آ گیا جہاں تھا منزل مراد وہ خیمہ حسین کا تھا منزل مراد وہ خیمہ حسین کا موتی برس رہے تھے مگر پتھروں کے پی موتی برس رہے تھے مگر پتھروں کے بیچ سن کر پگھلتے کیسے وہ خطبہ حسین کا سن کر پگھلتے کیسے وہ خطبہ حسین کا مقتل میں سب کے لاش اٹھائے امام نے مقتل میں سب کے لاش اٹھائے امام نے تنہا پڑا تھا ریت
لاشا حسین کا تنہا پڑا تھا ریت پہ لاشا حسین کا برسی لہو کی بارش قتل امام پر برسی لہو کی بارش قتل امام پر دیکھا گیا فلک سے نہ صدمہ حسین کا دیکھا گیا فلک سے نہ صدمہ حسین کا مختار پر ہے احمد مختار کا کرم مختار پر ہے احمد مختار کا کرم جس نے لیا لعینوں سے بدلا حسین کا جس نے لیا لعینوں سے بدلا حسین کا ساجد وہاں ہے ساقی کوثر کا نور عین ساجد وہاں ہے ساقی کوثر کا نور عین زوار کو بہشت ہے روزہ حسین کا زوار کو بہشت ہے روزہ حسین کا نکلا وطن کو چھوڑ کے کنبہ حسین کا جب منتظر تھا راہ میں مکہ حسین کا جی علامہ صاحب آپ نے یہ نوحہ سنا ہے جناب شہزاد نور قادری صاحب نوحہ خان کیا اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بالکل نکلا وطن کو چھوڑ کے کنبہ حسین کا بڑا زبردست اور پردرد کلام آپ نے لکھا یہی کنبہ جب بے شک یہ عطا ہے اور جو بھی لفظ مدحت محمد و اہل بیت محمد میں نکلتے ہیں وہ یقیناً اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے مولا آپ کی زبان اور بیان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں یہی کنبہ جب یہ کنبہ ظلم و جور کی آندھیوں میں گھرا ہوا ہے اور یہ بات اب آگے چلنا شروع ہو گئی ہے چار محرم سے کربلا میں مسلسل لشکر پہ لشکر آتے جا رہے ہیں فوجیں جمع ہوتی جا رہی ہیں رسول اللہ کے بے کس نواسے کو شہید کرنے کے لیے مسلمانوں نے 9 لاکھ کی فوج جمع کی وہاں اپنے 72 جانساروں کو شب عاشور اپنے خیمے میں بٹھا کے مولا حسین نے کہا سنو یہ جنگ میرے نانا کے دین کو بچانے کی اس شریعت کا وارث میں ہوں تو یہ ذمہ داری بھی مجھ پر ہے میں اپنے خیمے کا چراغ بجھا رہا ہوں تم میں سے جو جانا چاہے وہ واپس جا سکتا اس میں ایک پیغام تھا وہ پیغام یہ تھا کہ ایک تو ان 72 کی جانساری اور ان کے اظہار کو واضح کرنا دوسرا آقا حسین کا اپنے مقام و مرتبے کو واضح کرنا کہ میں حسین کسی کا حاجت مند نہیں
मैं हुसैन किसी का ज़रूरत मंद नहीं, मैं हुसैन वो हूँ जो तने तन्हा पूरे ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत कर सकता हूँ। तभी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा कि हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, के दीन की जो बुनियाद है वो मेरा बादशाह, मेरा आका, मेरा मौला हुसैन, वो करीम है हुसैन। जब चिराग बुझाया, और आप सब जानते हैं कि चिराग जला तो वापस कोई भी नहीं गया था, लेकिन सब आपने सब वहाँ मौजूद। आप देखिए कि आपने वो उनके वो शर्मो हया की लाज कैसे, क्या क्या करीमी है ये, क्या शानदार ये अंदाज है आपका, कर लोगों का पर्दा रखना। अगर कोई जाना, ये तो आप जानते थे कि कोई नहीं जाएगा, ये जो 72 हैं ये तो परवरदिगार ने चुन रखे हैं आपके साथ ही, जाएगा कोई नहीं। लेकिन आपने देखिए कैसी शानदार मिसाल बना दी, अलावा साहब इसे जारी बिल्कुल रखी। और इमाम की इमामत का तकाजा भी है, अदल इमामत के उसूलों में से पहला उसूल है। अल्लाह सुभान अल्लाह। चूँकि इमाम हमेशा आदिल हैं, और इमाम कभी भी ये नहीं चाहते कि वो किसी को उसकी मंशा के बगैर अपने साथ रखें। इसलिए इमाम चाहते थे कि जो भी करबला में चुना हुआ है वो आज खुद को खुद वाजे कर दे। फिर वो 72 के 72 जब नहीं गए तो आका हुसैन ने उन्हें गले लगाया, उन्हें बशारत दी, फिर पूरी रात कुरान की तिलावतें होती रहीं। और मैं एक और चीज़ वाजे कर दूं, आका हुसैन ने एक रात की मोहलत ली नहीं, आका हुसैन ने एक रात की मोहलत लश्कर यजीद को दी कि तुम में से जो जो हुर है वो मेरे पास आ जाए। वाह वाह वाह, सुभान। लेकिन वो एक ही हुर था जो पूरी रात अपने खैमे में परेशानी के आलम में टहलता रहा और एक ही बात सोचता था कि मैंने आले मोहम्मद से ऊंची आवाज़ में बात की, मैंने इनका पानी बंद किया, मैंने आले मोहम्मद का रास्ता रोका, अल्लाह जाने मेरी माफ़ी होगी या नहीं होगी। वहाँ शहजादा अली अकबर ने आशूर के रोज़ फजर की आज़ान पढ़ी। शहजादा अली अकबर की आज़ान के बाद हुर तेज़ी से दौड़ता हुआ आका हुसैन के खैमों की तरफ आया। लेकिन हालत क्या है, ये हुसैन इबन अली हैं जो अपनी तरफ आने वाले को अलैहिस्सलाम करने वाले हैं, कहा अब्बास जाओ मेरा मेहमान आ रहा है, जाके इस्तकबाल करो। हज़रत अब्बास जो ही इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, फौरन कहा शहजादा अली अकबर से, जाओ तुम भी हुर का इस्तकबाल करो। जो ही शहजादा अली अकबर आगे बढ़े तो कहा औनो मोहम्मद, तुम भी जाके हुर का इस्तकबाल करो। अब जब हुर के बेटे ने देखा कि सामने से हजरत अब्बास आ रहे हैं तो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। हजरत हुर ने आंखों पर शर्मिंदगी के बायस पट्टी बांध रखी थी। जब अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया तो जनाब हुर ने कहा अपने बेटे अली इब्ने हुर से, बेटा कौन आ रहा है? कहा हजरत अब्बास इब्ने अली आ रहे हैं। फौरन कदमों में गिरे। हजरत अब्बास ने उठा के सीने से लगाया और लगा कर कहा हुसैन के मेहमान की जगह अब्बास के कदमों में नहीं बल्कि अब्बास के दिल में है। यही वजह है कि रिवायत है आज भी जो जायरीन करबला जाते हैं तो हजरत अब्बास खुद करबला की सरहद से बाहर निकल कर उनका इस्तकबाल करते। हजरत हुर का इस्तकबाल हुआ, खैमे में आए, फिर वो दिन शुरू हुआ जो शहजादा अली अकबर की आज़ान से शुरू हुआ है, जो आका हुसैन के सजदे पर ख़त्म हो जाएगा। या यूं कहूँ कि जो दिन अली अकबर की जवानी से शुरू हुआ वो हुसैन के 57 साल के बुढ़ापे पर ख़त्म हो जाएगा। वो एक दिन पूरा दिन कायनात पे रकम है, जो एक दिन के पूरी कायनात पे रकम है वो मुहीत। और ये मोजज़ा है, अगर 72 लोग बारी बारी जाकर भी जंग लड़ें तो वो जंग फजर से असर के दरमियान ख़त्म नहीं हो सकती। वक्त की नब्ज़ों पे हाथ रख लिया सैयदा के लाल ने, वक्त रुका और फिर पूरी कायनात ने ये मंजर देखा कि आका हुसैन जाते और हमला करते, 71 लाशें हुसैन अकेले उठा के लाए। लेकिन कुछ मंजर ऐसे दर्दनाक आए कि खुद जो यजीद की तरफ से हमीद इब्ने मुस्लिम करबला के वाकयात लिखने पर साजिद भाई वहाँ मामूर था, उसने कहा कि कुछ मनाजिर ऐसे थे जिन्होंने मुझे भी रुलाया। कहा वो कौन से मनाजिर थे? कहा 3 मंजर ऐसे थे कि मैं करबला के वाकयात को लिखते हुए रो पड़ा। इसीलिए तो ये जिक्र आज भी 1400 साल बाद जिंदा है। का पहला वाक्या वो था जब अली अकबर के लाशे पे आका हुसैन चले, ऐसे चल रहे थे जैसे छोटा बच्चा घुटनियों के बल चल के जाता। दूसरा मंजर वो था जब खैमों से 6 माह के बेशीर को हाथों पे उठा के लाए और फौज अशिया की तरफ देख कर कहते थे, देखो तुम्हारे घोड़े पानी पी रहे हैं,
मगर मेरा अली असगर प्यासा है। ये जो सामने फुरात बह रहा है वो इसकी दादी का हक्कुल महर है, क्या इसे दो घूंट पानी ना दोगे? कितना पानी पी लेता 6 महीने का बच्चा। और हमीद बिन मुस्लिम कहते हैं, तीसरा मौका वो था जब हुसैन इब्ने अली जुलजना की जीन पर सर को झुका के बैठे थे कि एक जालिम ने ऐसा तीर मारा जो हुसैन के कल्ब से लगकर कमर से पार हुआ और हुसैन के दिल की रगें उस तीर से कट गईं। साजिद भाई, ये करबला का जो वाक्य, मुझे एक मिनट दीजिएगा, करबला के जो वाक्यात हैं अगर हम एक एक बयान करना शुरू करें तो एक एक वाक्य के अंदर हमारे लिए दर्स है। छोटे बच्चों के लिए शहजादा अली असगर की शहादत में दर्स है, जवानों के लिए अली अकबर की शहादत में दर्स है, वफाओं के लिए हज़रत अब्बास की शहादत में दर्स है, और इस्तेहकाम, शजात, हमीयत, गैरत और हिफाजत दीन के लिए अगर हम देखें तो तन्हा खड़ा है मेरे मौला हुसैन इब्ने अली। और यहाँ इमाम की शान पता चलती है कि फिर अदल से काम ले रहे हैं। जब शहादत का वक्त आया है, हज़रत जाफिर बिन राहील जिन आए और आके कहा, आका हुसैन, आपके अजदाद के मेरे अजदाद पर बड़े एहसान हैं, आज इजाज़त अता कीजिए मैं इन 9 लाख को अकेला मारूं। का नहीं, मैं रहमत लिलआलमीन का नवासा, मेरी गैरत और मेरा अदल गवारा ही नहीं करता कि मैं ना नज़र आने वाली मखलूक को नज़र आने वाली मखलूक से लड़ाऊँ। फिर खुद जाफिर जिन ने रिवायत की और आसमान रोया, ज़मीन फट गई इस गम में कि हुसैन मौला जब जुलजना की जीन से ज़मीन पर गिरे हैं तो ज़मीन पर आए नहीं बल्कि तीरों पे मुअल्लक था लाशा रसूल अल्लाह के बेटे का। वहाँ से शिमर कुंद खंजर लेके चला, तिल्ला ज़ैनबिया पे 70 कदम पे अली की बेटी देख रही थी, 4 कदम पे जनाब सकीना बिनतुल हुसैन 4 साल की मासूमा देख रही हैं कि शिमर बाबा को 13 ज़रबों से कत्ल कर रहा है। और खुद रुकी नहीं 4 कदमों पे, 4 कदमों पे शिमर ने रोका था, चूंकि जहां तक उसका हाथ आता था वहां जनाब सकीना का चेहरा था। और जूं ही बाबा को बचाने के लिए आगे बढ़ती, शिमर तमाचा मार के कहता था, आज सकीना मैं आपके बाबा को छोड़ूंगा नहीं। बेटी के सामने बाप का सर तन से जुदा की। अस्तग़फ़िरुल्लाह। मक्तल में सबके लाशें उठाए हुसैन ने, तन्हा पड़ा था रेत पे लाशा हुसैन का। ये वो मंजरनामा है नाज़रीन जो तारीख़ दुनियाए आलम पे रकम है, नक्श है। इसके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं असबाक के, रहनुमाई के, आखिर में जनाब अल्लामा फरमा रहे थे कि मौला हुसैन पाक ने ज़ाफ़िर जिन को ये कहा कि ये अदल के बरखिलाफ़ है कि एक नज़र आने वाली शय यूँ जो इंसान हैं उनके मुकाबले आ जाए, ये अदल के बरखिलाफ़ है। तो नाज़रीन, इसके वैसे तो हम बार बार अर्ज़ करते हैं कि वाकया करबला के बहुत सी डायमेंशनस हैं। अगर इस्लामी निज़ाम अदल व इंसाफ को ही थाम लिया जाए तो हम बरमला ये कह सकते हैं कि जो आलम इस्लाम बल्कि आलम इंसान के जो मसाइल का हल है वो हुसैनियत में मुज़मिर है। वो अदल, वो इंसाफ, वो करीमी, वो रहीमी, वो शुजात, वो गैरत, वो जमा मर्दी और हक पर डट कर खड़े होने की ये जो अदा है, किसी कुर्बानी से दरेग़ नहीं किया और किसी से ना डरे ना ठिठके, बल्कि कहा कि ये जान क्या है, हक पे कायम रहना बड़ा काम है और ये मेरा ही फ़र्ज़ है कि मैं ये हक अदा करूँ। तो चुनाचे जब आप अपने वो वफादार साथी मुर्तजिज जुलजनाह, जिसे भी हम कहते, उससे जब आ रहे थे सीनाए ज़मीन पर, तो सजदे में जाता हुआ सर एक बार फिर से बुलंद हुआ, निगाह आसमानों की तरफ उठाई और मौला हुसैन पाक ने फरमाया, परवरदिगार आलम मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। एक कलमा शिकवे का और गिले का आपकी ज़बान मुबारक से अदा नहीं हुआ, बल्कि सर पे सजदा होते हुए भी ये अदा कायम रखी कि परवरदिगार हर हाल में। और नाज़रीन, आपने ये मुख्तसर तफसील में देखा कि वो क्या हाल है जिससे हुसैन और उसका कुनबा और उसके साथी गुज़रे हैं, इसके बावजूद कहा कि परवरदिगार मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। चुनाचे
आप एक ऐसे बुलंद मकाम पर फाइज हो गए कि जिसकी तरफ निगाह उठा कर देखा जाए तो लोगों की पगड़ियाँ पुश्त की जानब पीछे जा गिरती हैं। एक ऐसी बेपाया रहमत की हामिल यह शख्सियत जिनका ज़िक्र जिस कदर भी किया जाए वो कम है। आज हमने बहुत मुख्तसर वक्त में कुछ तारीख़ी जो अवामिल थे वो आपके सामने रखे। परवरदिगार आलम हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। जनाब अल्लामा मोहम्मद अली विर्क साहब क़िबला, आप ये गुफ्तगू करने के लिए आज APP न्यूज़ के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दिलों को गरामबार भी किया, आँखों को अश्कबार भी किया। नाज़रीन, इस गम इस दर्द के साथ साजिद उमर गिल फैक्ट फाइंडिंग से इजाज़त चाहता है कि ये गम बाकी रहे तो दुनिया का और कोई गम बाकी नहीं रहता। परवरदिगार आलम आप सब का निगहबान हो। निकला वतन को छोड़ के कुनबा हुसैन का।